मेयर साहब बात कर रहे हो, चाहे भले ही वो एडिट हो चाहे वो फर्जी हो, लेकिन मेरे पास जो वीडियो है उसमें पंचायत में सभी लौटा फलिया में अंदर बैठे नहीं, तो जब तक आप ये देशद्रोही नहीं है प्रूफ न कर लेना, हम ये दाग लेके नहीं जा सकते। आप हमारे लॉकअप में भेज दीजिए, या तो आप ये बोलिए एडिटेड वीडियो है, गलत इन्फॉर्मेशन हो सकती है। अरे चुप रहोगे, अच्छा सर, सर आप देखिए, आप हमारे पे कलंक लगाए सर, आप हमारे को क्या बोले, हमारे स्टेज पे से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, अब आप बोल रहे एडिटेड वीडियो आई जिसमें आवाज साफ नहीं है, या तो फिर हमको बोल दीजिए कि वो गलत वीडियो है तो क्या हम चले आते, अगर आप गलत वीडियो नहीं है बोले तो हमारे को एक तीन चार जने जो जिम्मेदार है हम लॉकअप में बढ़ जाते, क्योंकि हम ये दाग लेके पुलिस स्टेशन से बाहर ले जा सकते हैं। नहीं चलिए, ये वीडियो हो सकता गलत हो सकता है, गलत है और साहब हम अल्ताफ और के खोने नहीं देंगे, याद रखिए आप, ये ऐसा नहीं आप आए मुसलमान को उठा के लेके गए, इंक्वायरी करें आप, क्या मुसलमान आप लोग की जागीर है, फुटबॉल है, ये फिर क्या बदल सुने कैसा बोले, पाकिस्तान आपके दिलों में हमारी जूती पे है, वो आपके जहन में वो अच्छी बात है, हमारी जूती पे आपके दिलों में बैठे हुआ है, आपके दिमागों में बैठे हुआ है, आपको लगा कैसा वो नाराजी है हम ये बोल के, और आपके एसएचओ साहब आके तंगे बात कर रहे बगैर हमारे से, अरे हम इंडियन भाई बर्थ है, आप लोग क्या समझ रहे हैं हमारे को, जो क्या ठोकर की जूती समझे, नहीं अरेस्ट करिए हमारे को दाली अंदर, आप लोगों की तो आदत है ना मां को मारने की, मार दीजिए, अरे आप तो वही से ना कोई दूसरे नारा सुन के आप वो नारा बोल के आ गए आप, प्रूफ करिए सर, प्रूफ करिए आपके पुलिस अप्रूव करिए, अप्रूव करिए आप, प्रूफ करिए, प्रूफ करिए, अगर नहीं प्रूफ कर पाएंगे तो फिर आपके ऊपर केस, यहाँ बैठ जाएंगे हम अपने आप, या तो हमारे बच्चे को जीता आपके ऊपर केस होना, आपके ऊपर केस होना, अरे ऐसा कैसा हमारे पे देशद्रोही, क्या देशद्रोही समझे हमारे को आप साहब, अरे अभी तो आप आंख पे आ रहे थे, पता नहीं कोई वीडियो कर रहे हैं, अरे ठहरों में आप तो बाबू तुम कौन है, ये कौन है, किलो ठहरे में ना तो बच्चू ठहरना, आप लोग चर्चा मत करिए, ये कौन है, ये कौन है, पवन राम अम्बेडकर नारे सुने आप, ये लोगों के कान में सुनाई दिया है, ऐसा वो है क्या, क्या है क्या, आप उठा के ला लीजिए, अरे हमारे पेज से लाइव चला है, लाइव चला आप कहीं पे एक शब्द हो ही नहीं सकता, और आप तो यकीन मानिए कहीं हो ही नहीं सकता, हम लोग हिंदुस्तान के निवासी हैं, ये थोड़ी कोई ऐसी अपशब्द बात हो जाएगी, अरे आप मालूम करना था, पूछना था आपके दस पूरी वीडियो क्लिप, रिपोर्टर सर आपने दस रिपोर्टर बुलाए हैं, आप लोग भी पूरा सारी वीडियो क्लिप कराई है, बॉस कितने रिपोर्टर कवर करे आपने, तो लाइव चलाया भी है, अरे आप देखना था कहीं दूर से गाय की आवाज आ रही, ब्लिंक आवाज आ रही, अब आप लोग सुन लिए, हम जरूर सुने, अरे जो सुने उनको बुलाइए ना, देख रहे हैं, क्या हटिए सर, ये पुलिस थाना है, ये पब्लिक के लिए है, आप हमारे अंदर बाहर नहीं कर सकते, ऐसा हमारे जिलाध्यक्ष को लेकर क्या है, घर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, हम क्यों पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएंगे, हमारे पूरा लाइव चला हुआ है, उसमे हमारे सारे पेज पे घसीटते हुए लेके आए, बोलिए घसीटते हुए लेके जी, अब आप प्रूफ करिए सर हमें, नहीं अगर प्रूफ सर आपका नाम प्रूफ नहीं कर सकते तब क्या करेंगे, प्रूफ करना पड़ेगा आपको, आपको प्रूफ करना, अरे आपको 200 वीडियो मैं बताऊंगा हमारे पेज पे से बताऊंगा, आपको आइए रिपोर्टर को वीडियो देखिए, उसमें वोटर भी थे वहां पर, वहां पे आपको डांडी आंसर भी थे सर, ये तरीका है ऑफिसर, हम मुसलमान के लिए नहीं है सर, नॉट वी आर जस्ट नॉट फॉलोइंग द रूल ऑफ लॉ, अब आप प्रूफ करिए, यू नो नहीं नो नहीं या तो हम जेल के अंदर जाएंगे, या आपके ऊपर ये शेयर करते नहीं है, आप शेयर कर, ये सब चीजें शेयर करिए, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट चुप रहो, आप सुने साहब जी, आप पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे सुने, आपको कहाँ से सुने आया साहब, आपको कहाँ से सुने आया, अरे मीडिया है आपके कान में पाकिस्तान है, आप हमारे सुना देखिए, मीडिया मौजूद है, मीडिया का फोन आ रहा है, बोलिए इनके ऊपर एक्शन लेना, बताओ
इसके ऊपर एक्शन हमारे जिला सदर को मार लेते लेके आए, उसको गाली दिए, क्या हक से गाली दिए साहब? हाँ झूठे एविडेंस भाई साहब, भाई क्या करना चाह रहे आप? अरे कहीं का प्रूफ? अरे सर यू आर ए ऑफिसर, दैट इज नॉट ए प्रूफ, यू विल बी आप झूठे इल्जामों के साथ आप मजलिस को नहीं रोक पाएंगे, आप मजलिस को नहीं रोक पाएंगे झूठे इल्जामों के साथ। बिल्कुल, वो प्रूफ करके देगा सभी चीजें।